मैं रुपेश कुमार, अभी मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इंग्लिश मीडियम में यूनिट सेकंड जो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कौन सा चैप्टर का नाम है? वह चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है चैप्टर का नाम। और यह यूनिट जो है यूनिट 2 का चैप्टर है, और इसमें हम अभी आपको बताने वाले हैं टॉपिक 2.3.3। कौन सा टॉपिक बताने वाले हैं? ये टॉपिक है 2.3.3, जिसका नाम है इविडेंस। इविडेंस होना चाहिए, प्रमाण, इविडेंस होना चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए। क्या करने के लिए? तो फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इनर्जी लेवल्स के लिए इविडेंस की बात हो रही है, और उसमें जो टॉपिक है वह है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले तो टॉपिक आपको एक दो बार बोलना होगा, और टॉपिक का नाम है इविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इनर्जी लेवल्स और दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या टॉपिक का नाम है? इविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले आपका काम है कि इस टॉपिक को एक दो बार बोलना, ताकि जब भी कोई पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा, तो आपको बताना है कि इविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी इसमें आपके लिए क्या सब लिखा है, कौन सा लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के लिए हम इस टॉपिक को नीचे लाएंगे और देखते हैं कि एनसीईआरटी में आपके लिए क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहला लाइन जो है, पहला जो पैराग्राफ है इस टॉपिक का, पहला पैराग्राफ में लिखा है एनसीईआरटी कि द स्पीड ऑफ लाइट, शुरुआत किया है लाइट से, और वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच इट पासेस। कहता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वह डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ द मीडियम, किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, थ्रू व्हिच इट पासेस, जिससे यह पास करता है। चलिए, अच्छी बात है कि आपको यह ध्यान रखना है कि स्पीड लाइट पर किस पर डिपेंड करेगा, तो वह करेगा मीडियम पर। मीडियम का मतलब क्या हो गया? कि जिससे यह पास करेगा। पहला कंसेप्ट आपका आ गया कि जिससे यह पास करेगा। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है? दूसरा कंसेप्ट है कि एज ए रिजल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? कि द बीम ऑफ लाइट, जो लाइट का पुंज होता है, इज डेविएटेड, इसका मतलब वह जो बीम ऑफ लाइट का होता है वह डेविएट हो जाता है या रिफ्रैक्ट हो जाता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि बीम ऑफ लाइट मीडियम के कारण क्या होगा, तो पहला बोलेंगे आप डेविएट। पहला क्या बोलेंगे? तो पहला बोलेंगे आप डेविएट, डेविएट हो जाता है। और दूसरा इसी का है रिफ्रैक्ट, REFRACT। तो दो आपको याद रखना है कि जब बीम ऑफ लाइट डेविएट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, कहाँ से हो जाता है? तो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ से होता है, जैसे ही यह पास करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम के तरफ। तो दूसरा लाइन एनसीईआरटी आपके लिए क्या लिखा पढ़ने के लिए? कि बीम ऑफ लाइट डेविएट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। पहला वर्ड हो गया डेविएट, दूसरा वर्ड हो गया रिफ्रैक्ट। कहाँ से हो जाता है? तो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कब हो जाता है? तो जैसे ही यह पास करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये दूसरा लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा लाइन क्या लिखा है, दूसरा लाइन क्या लिखा है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब तीसरा लाइन एनसीईआरटी क्या लिखा है आपके पढ़ने के लिए? तीसरा लाइन लिखा है एनसीईआरटी कि
कि इट इज ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व किया गया है कि व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट, जब रे ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, पास किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रिज्म के द्वारा जब पास किया जाता है, द वेव विथ शॉर्टर वेव लेंथ, द वेव जो होगा, यह जो वेव होगा शॉर्टर वेव लेंथ का, किसका, तो शॉर्टर वेव लेंथ का, बेंड करता है, किस क्या करता है, तो बेंड करता है मोर देन वन, मोर देन वन विथ लॉन्गर वेव लेंथ। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि जो वेव होता है शॉर्टर वेव लेंथ का, वह बेंड करता है, वह ज़्यादा बेंड करता है कि लॉन्गर वेव लेंथ वाला बेंड करता है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि द वेव विथ शॉर्टर वेव लेंथ, जो शॉर्टर वेव लेंथ होगा वह बेंड करेगा, कितना करेगा, तो ज़्यादा करेगा, किससे करेगा, तो जो लॉन्गर वेव लेंथ से होगा। तो तीसरा लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि शॉर्टर वेव लेंथ जो होगा, जो शॉर्टर वेव लेंथ जो होगा, देखिए वेव लेंथ यहाँ से यहाँ तक हुआ वेव लेंथ, फिर इसी में ऐसे करके वेव लेंथ यहाँ से यहाँ तक हुआ वेव लेंथ, ये इसको अगर हम छोटा छोटा वेव लेंथ माने और इसको अगर हम ज़्यादा बड़ा बड़ा माने, इसको हम बड़ा थोड़ा सा बनाए और इसको भी थोड़ा इससे बड़ा बनाए, इसको हम मोर किए और इसको हम क्या किए, इसको हम शॉर्टर बनाए, इसको हम क्या बनाए, शॉर्टर। तो कहता है शॉर्टर वाला जो है, ये शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा बेंड करेगा, ये ज़्यादा बेंड्स करेगा और किसके अपेक्षा, तो यह मोर बेंड के अपेक्षा ज़्यादा यह बेंड करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको रखना है कि बेंड कौन ज़्यादा करेगा, तो वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ, ध्यान में रखना है कि शॉर्टर वेवलेंथ बेंड ज़्यादा करेगा वन विथ लॉन्गर वेवलेंथ, द वन का मतलब हो गया वही से वेवलेंथ से संबंधित, लेकिन वन किसके लिए आया है, तो वेवलेंथ के लिए आया है, और कैसा, तो वेवलेंथ जिसका बड़ा होगा, तो बेंड करता है कौन, जो शॉर्टर वेवलेंथ होगा। तो तीसरा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कम वेवलेंथ वाला बेंड करेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट जो लाइन लिखा है एनसीईआरटी, वह क्या लिखा, नेक्स्ट लिखा है एनसीईआरटी कि सिंस ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, जो आप ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ वेव्स, वह किससे बना होता है, तो वह वेव्स से बना होता है, विथ ऑल द वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज, जिसमें सभी वेवलेंथ होते हैं विजिबल रेंज, जो आप देख पाते हैं, ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, और यह जो रे व्हाइट लाइट का होता है, यह स्प्रेड करता है कलर बैंड्स के रूप में, और इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो आपसे डिफिनीशन पूछा जाएगा कि डिफिनीशन बताएं स्पेक्ट्रम का, तो आप बताएंगे कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो होगा, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट इसको कैसे याद करेंगे, तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट पहला, एक नंबर, कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, पहला बोलेंगे कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो होंगे, पहला ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, दूसरा ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट किससे बना होगा, तो कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ्स, कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ विथ ऑल वेवलेंथ्स, सभी प्रकार के वेवलेंथ्स का होगा जो कि हमारे विजिबल रेंज के अंतर्गत आता है। ये कंसेप्ट है कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो आप देखते हैं उसमें कंसिस्ट ऑफ वेव्स, उसमें जो वेव्स होते हैं वह वेवलेंथ होता है सभी प्रकार का, और जो कि हमारे विजिबल रेंज में होता है।
आगे है कि रे ऑफ वाइट लाइट, जो रे होता है उसका, यह स्प्रेड करता है इनटू ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, यह स्प्रेड करता है, फैलता है कलर बैंड्स में, और इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, ए रे ऑफ वाइट लाइट। ए रे ऑफ वाइट लाइट मतलब वाइट लाइट का जो रे निकलता है और वह स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है? तो कलर बैंड में फैल जाता है, और जब यह कलर बैंड में फैल जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इतना आप याद रखेंगे, इसको दो तीन बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और स्पेक्ट्रम क्या डेफिनेशन भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब ठीक है, कलर बैंड हो गया, कलर बैंड्स सभी आ जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सा कलर आता है और उसके बारे में क्या सब डाटा है, उसके बारे में एनसीईआरटी लिखा है, क्या लिखा है, चलिए हम बताते हैं आपको कि क्या लिखा है। लिखा है, शुरुआत किया है यह रेड कलर से। किससे शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया है रेड कलर से। तो चलिए रेड कलर के बारे में हम बताते हैं कि द लाइट ऑफ रेड कलर, किसकी बात हो रही है? द लाइट ऑफ रेड कलर की बात हो रही है, जिसका कहता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, जिसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, इज डेविएटेड द लीस्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि लाइट जो होता है किसका, तो रेड कलर का, और उसका वेवलेंथ क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट होता है, और वह डेविएट क्या होगा, तो लीस्ट होगा। अभी तुरंत पढ़े हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला जो होता है वह डेविएट कम होता है, और कम वेवलेंथ वाला जो होता है वह डेविएट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगा और उसमें किसका नाम आता है, किस कलर का नाम आता है, तो उस कलर का नाम आता है रेड, और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो बैंड क्या होगा, यह डेविएट कितना होगा, तो डेविएट यह लीएस्ट होगा। तो कौन से कलर? रेड कलर। वेवलेंथ कितना? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। डेविएट कितना? लीएस्ट। इतना याद रखेंगे। अब दूसरा कलर की बात हो रही है, वाइल द वायलेट लाइट, अगर वायलेट लाइट की बात हो कलर, फिर दूसरा आप वायलेट याद रखेंगे, जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, जिसका वेवलेंथ क्या होगा, तो उसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा। क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे कि वेवलेंथ बताइए जिस किसका शॉर्टेस्ट एनसीईआरटी में लिखा है इस टॉपिक में, तो आप बताएंगे कि वायलेट कलर का, और यह डेविएट कितना करेगा, तो आप बताएंगे कि डेविएट मोस्ट करेगा। तो दो कलर की बात हुई, कौन कौन से कलर की? रेड कलर। कौन कौन से कलर की बात हुई? तो पहला हुआ रेड कलर, दूसरा कौन कलर की बात हुई? वायलेट कलर। रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। वायलेट लाइट का कितना होता है? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। रेड कलर का डेविएट कितना होता है? तो डलीएस्ट होता है। वायलेट लाइट का डेविएशन कितना होता है? तो डेविएट मोस्ट होता है। तो ये कंसेप्ट है आपका, रेड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और डलीएस्ट हो गया डेविएशन। दूसरा कलर आपके पास आ गया वायलेट, दूसरा कलर वायलेट, और इसका वेवलेंथ हो गया शॉर्टेस्ट, और ये डेविएट भी मोस्ट होगा। तो तीन कंसेप्ट इसमें, और इसमें भी तीन कंसेप्ट कलर के साथ। अब नेक्स्ट हम टॉपिक बताते हैं कि नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है रेड के बारे में और वायलेट के बारे में। कहता है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, जो आप स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का देखते हैं, दैट वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, रेंजेज फ्रॉम वायलेट, यह रेंज है वायलेट से 7.50 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज। वायलेट एट, वायलेट का दिया हुआ है 7.50 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज। इतना क्या है आपको याद रहेंगे, दो तीन बार बोलेंगे, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे कि वायलेट का जो फ्रीक्वेंसी है वह होता है 7.50 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज से रेड एट 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज। ज़्यादा याद नहीं करना है,
आपको स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट है इसी में सभी कलर बैंड मिलेंगे, वेरी गुड मिलेंगे, ठीक है। तो वायलेट का कितना है, तो वायलेट का आपको हम पूछेंगे तो आप को बताना है 7.50 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, क्या इतना याद रहेगा, याद रखेंगे। रेड का कितना होगा, तो रेड का 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, क्या इतना याद रहेगा, निश्चित याद रहेगा, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको डाटा बेस्ड हो गया हर्ट्ज से संबंधित, फ्रीक्वेंसी से संबंधित, कि वायलेट का देखिए और रेड का देखिए, तो रेड और वायलेट दोनों का बताना है। अगला जो लाइन लिखा है, अगला लाइन लिखा है कि सच ए स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जिस प्रकार का अभी स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या याद रहेगा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पर हमको दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 7.5 और 4 इंटू, कितना दोनों में दिया हुआ है, दोनों में सिमिलर इंटू दिया हुआ है, 10⁻¹⁴ और यहाँ पर भी 10⁻¹⁴, यहाँ भी हर्ट्ज और यहाँ भी हर्ट्ज, कलर यहाँ वायलेट और यहाँ पर रेड, चलिए एट से दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आगे कहता है कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इसलिए कि वायलेट मर्ज करता है ब्लू में, ये भी एक कंसेप्ट है आपको बताना है। हम पूछेंगे कि एनसीईआरटी आपके बुक में वायलेट किस में मर्ज करता है, कौन से कलर में मर्ज करता है, तो आप उस समय बताएंगे ब्लू में। और फिर हम पूछेंगे कि ब्लू किस में मर्ज करता है, तो आपको बताना है ग्रीन में। पहला पूछेंगे कि वायलेट मर्ज किस में करता है, तो आपको बताना है ब्लू में। और फिर पूछेंगे कि ब्लू किस में मर्ज करता है, तो आपको बताना है ग्रीन में। दो कॉन्सेप्ट आपसे हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पहला पहला पूछेंगे आपसे हम कि वायलेट मर्ज किस में करता है, तो आप कहेंगे ब्लू में। वायलेट मर्ज किस में करता है, तो आप बोलेंगे ब्लू में। आप किस में बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ब्लू में। और ब्लू किस में करता है, तो आप बोलेंगे ग्रीन में। आप किस में करेंगे, ग्रीन में। याद रहेगा इतना कि कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वायलेट मर्ज करता है ब्लू में, याद रखेंगे। अब फिर तो वायलेट ब्लू ग्रीन इतना याद रहेगा, वायलेट वायलेट ब्लू और ग्रीन तीन याद रखेंगे, वायलेट ब्लू और ग्रीन इतना याद रहेंगे। वायलेट किस में मर्ज किया, तो ब्लू में। ब्लू किस में मर्ज किया, तो ग्रीन में, इतना याद रखेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि आपको बताना है कि वायलेट मर्ज करता है ब्लू में, ब्लू बीच वाला याद रखना है, ब्लू क्या याद रखना है, तो बीच वाला याद रखना है ब्लू। और ब्लू याद रखने से आपको कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि वायलेट मर्ज करेगा ब्लू में और ब्लू मर्ज करेगा ग्रीन में, और यही जारी रहेगा। तो हमें लगता है कि यह टॉपिक आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है, और समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जब हम पूछेंगे तो आपको जवाब जब तक नहीं दीजिएगा, आपका आंसर जब तक सही नहीं होगा, इट मीन्स आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको याद भी करना है, समझना भी है, और रिवीजन भी लगातार करना है, और जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, एनसीईआरटी कहता है ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, इसी प्रकार का एक और स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जब रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई, जब आप स्काई में देखते हैं तो उस समय भी यह प्रोड्यूस होता है। कब, जब स्काई में फॉर्म होता है। तो याद रखें, रिमेम्बर करें कि विजिबल लाइट, विजिबल जो लाइट होता है, विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहता है स्मॉल पोर्शन है किसका, तो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का 2.7 जो फिगर है, यह फिगर है किसका है, तो यह फिगर हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जिसमें कलर बैंड रहता है यहाँ से यहाँ तक कलर बैंड दिया हुआ है एनसीईआरटी का, और फिगर 2.7 फिगर को भी आप थोड़ा ध्यान रखें तो आपको समझने में सुविधा होगा कि स्मॉल पोर्शन विजिबल लाइट जो है वह एक स्मॉल पोर्शन है किसका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। विजिबल लाइट किसका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, जो कि पीछे हम बता चुके हैं आपको। आगे है कि अगला लाइन है कि व्हेन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, जब यह मैटर से इंटरेक्ट करता है, क्या करता है, तो इंटरेक्ट करता है किससे, तो मैटर से, तो कौन कौन एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल क्या करता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पदार्थ से इंटरेक्ट करता है जिसमें कौन कौन होते हैं, एटम रहते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे, तो एब्जॉर्ब करेंगे और रीच टू ए हायर इनर्जी स्टेट। कब एटम और मॉलिक्यूल हायर इनर्जी स्टेट में जाएगा, तो आपको बताना है, आपको बताना है कि जब वह इनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से इनर्जी उसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ, मैटर के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, हम पूछेंगे मैटर के साथ कौन इंटरेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उसमें कौन कौन रहता है, तो आप बोलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कौन कौन रहता है, आप बोलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या करता है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है इनर्जी को, किसको एब्जॉर्ब करता है, इनर्जी को, और वह कहाँ चला जाता है एब्जॉर्ब इनर्जी करने के बाद, तो आप बोलेंगे हायर इनर्जी स्टेट में चला जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला और वह मैटर के पास पहुंचा। मैटर में कौन कौन रहते हैं, मैटर्स में एटम और मॉलिक्यूल रहते हैं। एटम मॉलिक्यूल क्या करता है, इनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, तो वह हायर इनर्जी स्टेट में चला जाता है। क्या इतना याद रहेगा, इतना आप समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट में करने पर क्या होगा, तो मैटर में रहता क्या है, पदार्थ में क्या रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर कहते हैं, और उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो गया, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, तो वह कहाँ चले जाएंगे, दैट वे चले जाएंगे हायर स्टेट में। चलिए हायर स्टेट तक हम लेते चले गए इनको। इसके बाद क्या होगा, कहता है विथ हायर इनर्जी, अगर इनके पास हायर इनर्जी है, तो दीज आर इन अनस्टेबल स्टेट। इसके बाद एक आया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे कहा जाता है कि हायर इनर्जी स्टेट जैसे ही होगा, तो उसे कहता है एनसीईआरटी कि वह चला जाता है एक अनस्टेबल स्टेट में। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ से यहाँ तक पढ़, फुल स्टॉप कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, फुल स्टॉप पूरा समझने की कोशिश कीजिए। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, उसमें रहता है एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वह पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, और जब हायर एनर्जी उसके पास आता है, तो वह पहुंच जाता है एन अनस्टेबल स्टेट में। टॉपिक आपको अब समझ में आ गया कि हायर एनर्जी जैसे ही उसे मिलेगा, वह चला जाएगा कहाँ चला जाएगा, तो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। चलिए, इतना आपको याद हो गया, इतना आपको समझ में भी आ गया, और आपको समझने में सुविधा भी हो गई होगी कि किस प्रकार से हम इसे समझते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है आपके लिए एनसीईआरटी।
कहता है कि हायर इनर्जी में जब चला जाता है तब तो वह अनस्टेबल स्टेट में हो जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब अनस्टेबल स्टेट में जब चला जाता है तब फॉर रिटर्निंग टू नॉर्मल, जब वह नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है जिसके कहते हैं हम लोग मोर स्टेबल स्टेट, नॉर्मल स्टेट को कहते हैं हम लोग मोर स्टेबल स्टेट। लोअर इनर्जी स्टेट, लोअर इनर्जी में जाएगा, इनर्जी स्टेट में, तो द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो एटम और मॉलिक्यूल इनर्जी एब्जॉर्ब किया है वह इमिट करेगा, छोड़ेगा रेडिएशंस, वह फिर रेडिएशन छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वह फिर रेडिएशन छोड़ेगा और छोड़ने पर वह वेरियस रीजन्स डेवलप करेगा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। वह कैसा करेगा? यहाँ से रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वह छोड़ेगा। तो टॉपिक आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? शुरू से लास्ट तक आपको समझ में आना चाहिए कि हमने आपको क्या बताया। शुरू से लास्ट तक में हमने आपको क्या सब पॉइंट बताया, एक बार आप ऊपर से नीचे तक देखें। देखने में यह छोटा सा पैराग्राफ लगता है, छोटा सा ही पैराग्राफ है 2.3.3, लेकिन आपको इस टॉपिक को पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, देखने में एनसीईआरटी है। तो ये इविडेंस था, किसका इविडेंस था? क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इनर्जी लेवल्स, अभी शुरुआत नहीं हुआ है, अभी तो ये कॉन्सेप्ट दिया है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो स्पीड ऑफ लाइट से डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम थ्रू ये पास करता है, दूसरा बीम ऑफ लाइट यह डेविएट होता है, रिफ्रैक्ट होता है ओरिजिनल पाथ से जहाँ से यह पास करता है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम, चलिए वेरी गुड। तीसरा जो इसमें लाइन दिया हुआ है यह कहता है कि यह ऑब्जर्व करता है कि जब रे ऑफ वाइट लाइट, जब रे ऑफ वाइट लाइट पास करता है प्रिज्म से तो शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा बेंड करता है, किस से? तो लॉन्गर वेवलेंथ से। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो होता है वह कंसिस्ट रहता है विजिबल रेंज में, जिसमें व्हाइट लाइट स्प्रेड करता है सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, चलिए ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइट रेड कलर का होगा, जो रेड कलर का लाइट होगा यह लाइट होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का और डेविएट करेगा लीस्ट, और जो वायलेट लाइट होगा वह शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होगा और डेविएट करेगा मोस्ट। स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट का है वह देखा जा सकता है 7.50 × 10⁴ हर्ट्ज, रेड से 4.14 हर्ट्ज तक, ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहता है। कंटिन्यूअस इसलिए कहा जाता है कि वायलेट मर्ज करता है ब्लू में और ब्लू मर्ज करता है ग्रीन में, और इसी प्रकार से यह चलते रहता है। चलिए ठीक है, सारांश में आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि आपने अभी ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा। कंटिन्यूअस इसलिए कि वायलेट मर्ज करता है ब्लू में, ब्लू करता है ग्रीन में। एक सिमिलर स्पेक्ट्रम इसमें भी प्रोड्यूस होता है, कब? जब रेनबो आप स्काई में देखते हैं। विजिबल लाइट जो होता है जस्ट पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है, यह 2.7 एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर्स के साथ तो उसमें कौन कौन रहते हैं? तो एटम मॉलिक्यूल होते हैं। वह क्या करता है? तो इनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ चला जाता है? तो हायर इनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है, हायर इनर्जी स्टेट में चला जाता है। हायर इनर्जी स्टेट में चले जाने के बाद होता क्या है? तो विथ हायर इनर्जी स्टेट के बाद यह पहुंच जाता है अनस्टेबल स्टेट में। हायर इनर्जी स्टेट जब होता है तो यह पहुंच जाता है अनस्टेबल स्टेट में। जब यह नॉर्मल में पहुंचने की कोशिश करता है तो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? तो रेडिएशन छोड़ते हैं। कैसा छोड़ते हैं? तो वेरियस रीजन्स वाला छोड़ते हैं, और वह उस समय बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप समझ गए
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, यह स्पेक्ट्रम आपको आसानी से समझ में आ गया और हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म हुआ, कैसे वह लाइट एब्जॉर्ब किया और कैसे हायर स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने के बाद एटम और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाते हैं। तो अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और यह भी है 2.3.3 का ही, और यह 2.3.3 के अंतर्गत ही यह भी आएगा। तो इसे भी हम लोग समझेंगे कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव फ्रॉम रुपेश कुमार।